एनिमल 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, संदीप रेड्डी वांगा ने ऐसी मूवी बनाई है कि उसे तुम पसंद करो या ना पसंद, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर सकते। देखो लोग भी इंटरनेट पे दो भाग में बट चुके हैं, एक जो कि उसे पसंद कर रहे हैं और एक जो कि उसे ना पसंद। पहले इनकी बात करते हैं। तो जो लोग इस मूवी को ना पसंद कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि मूवी बहुत ज्यादा वायलेंट है, मिसोजिनिस्ट है, वो लोग जो कि औरतों से नफरत करते हैं, और मूवी बच्चों पे बुरा प्रभाव डालती है। लेकिन मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चे थिएटर के अंदर कर क्या रहे हैं, क्योंकि मूवी स्ट्रिक्टली ए रेटेड है, यानी कि 18 साल से ऊपर के बच्चे जा ही नहीं सकते। तो ये तो थिएटर वालों की और पेरेंट्स की गलती हुई ना कि वो बच्चों को अलाउ कर रहे हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। और अगर आप 18 साल से ऊपर हो तब भी ये मूवी आपके दिमाग पे इतना इम्पैक्ट डाल रही है, तो जरूर आपका यहाँ से नट ढीला है। क्योंकि मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में सही कहा है, फिल्म्स डोंट चेंज सोसाइटी, फिल्म्स चेंज योर हेयर स्टाइल, दे डोंट चेंज सोसाइटी। अब तुम जरा ध्यान से सोच के बताओ मुझे, ऐसी कौन सी मूवी थी आखिरी बार जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी? तुमने अभी तक कितनी मूवीज देख रखी होंगी, लेकिन ऐसी एक मूवी बता दो जिसने तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज कर दी। कोई है? कोई नहीं है। कोई मूवी आप पे इतना इम्पैक्ट डाल ही नहीं सकती। और अगर वायलेंट मूवीज देखने से लोग सच में वायलेंट होते हैं, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ी हुई है, इसका जरूर जिम्मेदार बॉलीवुड है, क्योंकि वही तो इतने सालों से रोमांटिक मूवीज बना रहे हैं। ऐसी बातें सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। पिछले साल एक मीम काफी ट्रेंड में चल रहा था, दी बॉयज, जो लोगो है ना उस मीम के अंदर, उस सीरीज का तुम पहला एपिसोड देख लो, एनिमल तुम्हें बच्चा लगने लगेगी। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सिनेमा है और हर एक के लिए अलग अलग ऑडियंस है। अगर पर्सनली तुम्हें किसी तरह का सिनेमा पसंद है तो वो तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता, उसे तुम एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट लेते हो। एक यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाई एनिमल के ऊपर कि वो एक कैंसर है और रेप जैसा सेंसिटिव टॉपिक उस वीडियो के अंदर इंडल्ज किया अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए। एनिमल मूवी देखने वाले लोग, उसे सपोर्ट करने वाले लोग, उसे पसंद करने वाले लोग कि उनकी मेंटेलिटी रेपिस्ट जैसी होती है, और दूसरी तरफ है वो लोग जो मूवी को डिफेंड कर रहे हैं और डिफेंड भी ऐसा कर रहे हैं कि उनके घर में रखा हुआ सोना। डेफिनेटली मूवी के अंदर कुछ फ्लॉज है और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि आपको आंख बंद करके एक कैरेक्टर को जो कि फ्रिक्शनल है उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके द्वारा किए गए एक्शन जस्टिफाइड नहीं है और ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड होने वाला नहीं है। डेफिनेटली इन कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों को ऐड करने में संदीप रेड्डी वांगा का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि क्लियरली दिखता है स्क्रीन पे कि वो अपनी पिछली मूवी की क्रिटिसिज्म का बदला ले रहे हैं। इंटेंशनली ऐसे सीन्स ऐड किए गए हैं जिससे कि वो दिखा सकें कि देखो ये है वॉयलेंट, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर हो, अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो, तो आप अपनी स्किल पे, अपनी आर्ट पे काम करते हो, न कि दूसरों से बदला लेने में। आप अपने काम से जवाब देते हो, अपने स्किल को अपग्रेड करते हो। बाकी अपना ओपिनियन बताओ, ये एक इंटरनेट का ट्रेंड है, दो हफ्ते टिकेगा फिर चल बसेगा। पिछले साल आदि पुरुष कितना ट्रेंड में थी और उससे पहले कई और मूवीज, अब उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। इंटरनेट पे ट्रेंडिंग है तो सब लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं लाइक और शेयर के लिए। मैं भी, ये मूवी तुम्हारी जिंदगी में घंटा चेंज नहीं लाने वाली। तुम्हारी इन लड़ाइयों से जिनको फायदा होना था वो लोग 737 करोड़ ऑलरेडी कमा चुके हैं। तो बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब।